हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों के नाक के बारे में। क्या सच में बच्चों के नाक को दबाने से या फिर इस तरह से खींचने से या फिर इस तरह से दबाने से या फिर इस तरह से जोर जोर से मालिश करने से बच्चे के नाक में के शेप में कोई चेंज आता है? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बच्चे का जो नाक का जो टेढ़ापन होने का या फिर चिपटा होने का कारण क्या होता है। जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तभी उसका जो नाक का शेप होगा, क्या कौन सा शेप में बच्चे का नाक होगा, वो उसी समय डिसाइड हो जाता है। पर जब होता क्या है कि जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो क्या होता है कि जैसे बच्चे के नाक बच्चे के सर के ऊपर जैसे प्रेशर पड़ता है बाहर आते समय, माँ के पेट से बाहर आते समय, उसी टाइम क्या होता है बच्चे के नाक के ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता है। ये हर बच्चे के साथ अलग अलग हो सकता है। किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बाहर आने में, किसको ही आसानी से बाहर आ जाता है। तो होता क्या है कि उसी टाइम क्या होता है थोड़ा बहुत प्रेशर नाक के ऊपर भी पड़ जाता है, जिससे क्या होता है नाक थोड़ा चपटा भी हो सकता है और थोड़ा टेढ़ा भी हो जाता है। तो एक रीज़न तो ये होता है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि जब बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलता है तो जब हम लोग उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, जब खासकर वो लेडीज जो पहली बार माँ बनी है, उनको आइडिया नहीं होता है कि बच्चे को किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो जब आप देखे होंगे कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो इस तरह से जब करता है तो उसका जो नाक है वो टच करते रहता है माँ के छाती से, माँ के ब्रेस्ट से, जिससे क्या होता है धीरे धीरे उसके नाक के ऊपर प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे नाक थोड़ा चपटा हो जाता है। तो ये मेन दो रीज़न है बच्चे के नाक का चपटा होने का या फिर उसके टेढ़ापन होने का। तो आपको ये कोशिश करना है कि फर्स्ट चीज़ को, जैसे माँ के बच्चा जो है माँ के पेट से बाहर आता है उसे हम तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो नेचुरल है, जैसा होगा वैसा होगा। पर जो दूसरी चीज़ है कि बच्चा का जब हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो उस टाइम हम लोग थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि बच्चे को जब भी हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, जब तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे का जो नाक है वो माँ के छाती से टच ना करे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो एक हाथ से हम अपने बच्चे को होल्ड करते हैं, दूसरे हाथ से अपने ब्रेस्ट को होल्ड किए हुए रहते हैं ताकि बच्चे का नाक है और ब्रेस्ट के बीच में थोड़ा सा गैप बना रहे, बच्चा सांस भी आराम से ले सके और बच्चे के नाक में कोई प्रेशर भी ना पड़े। तो ये दो रीज़न है मेरे हिसाब से, हो सकता है कोई और रीज़न भी हो सकता है। अब है कि क्या सच में बच्चे के नाक को हम लोग मालिश करके या फिर इस तरह से खींच के, जैसे पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि बच्चे के नाक को मालिश कर दीजिए, बच्चे के नाक को खींचिए, तो सच में बच्चे के नाक का के शेप में कोई बदलाव आता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक केवल मिथ है। आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बच्चे के नाक को ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे, तो होता क्या है कि बच्चा जब काफ़ी छोटा होता है तो बच्चे का जो हड्डियाँ होती है, जिसे हम लोग नेजल ब्रिज बोलते हैं, वो डेवलप्ड हो रही होती है। बच्चे के नाक को डेवलप्ड होने में, बच्चे के शरीर को डेवलप्ड होने में कुछ टाइम लगता है, सालों लगता है, कभी महीनों लगता है। तो बच्चे का नाक की जो हड्डियाँ हैं, नोजल ब्रिज है, उसे डेवलप्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ हफ्ता कुछ महीना लगता है। तो उसी दौरान अगर हम लोग ऐसा करेंगे कि बच्चे के नाक को प्रेस करेंगे ज़ोर ज़ोर से या फिर उसको इस तरह से उसका मालिश करेंगे या फिर उसके नाक को इस तरह से यहाँ पे प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, बच्चे की जो हड्डियाँ हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं होगी। हो सकता है उसकी हड्डी जो नोजल ब्रिज है उसके जो जहाँ से सांस अंदर जाती है वहाँ पे प्रेशर डालने से वो ब्लॉक हो जाए या फिर उसका छेद जो है वो छोटा हो जाए। तो आप क्या करेंगे, बच्चे नाक सीधा करने के बजाय आप क्या करेंगे, बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए कि बच्चे का जो ओरिजिनल शेप है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, आप उसके शेप में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। हाँ, बहुत लोग जब बड़े हो जाते हैं आगे चलकर सर्जरी से अपने नाक का शेप चेंज करवाते हैं, वो तो अलग चीज़ है, पर बचपन में आप बच्चे का नाक का शेप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि किसी बच्चे का आप देखेंगे गाल जो होता है इस तरह से फूला फूला होता है, तो बच्चे का जब गाल पूरा फूला फूला होता है, ये सारा
पोर्शन फूला होता है तो उसकी वजह से भी नाक क्या होता है थोड़ा छिप जाता है, ढक जाता है। तो हम लोगों को लगता है कि हम लोगों के बच्चे का नाक छोटा है, एक तो बच्चे का नाक बहुत छोटा होता है, ऊपर से वो ढक जाता है, तो लगता है हम लोगों का बच्चे का नाक बैठा हुआ है, चपटा है, तो हम लोग क्या करें, पेरेंट्स लोग चिंतित हो जाते हैं। पर जैसे आप देखेंगे कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका शरीर डेवलप्ड होता है, तो बच्चे का गाल जो जैसे जैसे पिचकता है तो नाक भी क्या होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे ये सारे बदलाव है वो एक डेढ़ साल के अंदर भी आपको दिखने लगेगा। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बच्चे के नाक के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर लोग भी यही सलाह देते हैं कि आपको अपने बच्चे के साथ नाक के साथ तो बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि अगर नाक में प्रॉब्लम हो जाएगी तो, क्योंकि ये सांस नली है और सांस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बिना सांस के तो एक पल भी कोई ज़िंदा नहीं रह सकता, तो नाक के साथ आपको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के नाक को थोड़ा बहुत मालिश करनी है तो आप हल्के हाथों से कर सकते हैं। यूज करना है ये फिंगर, इंडेक्स फिंगर ज़्यादा हम लोगों का एक्टिव होता है, तो आप इस फिंगर को यूज करके जब भी आप मालिश करते हैं तो थोड़ा बहुत आप नाक का भी मसाज कर सकते हैं। कैसे करना है, सिंपल इस हाथ में यहाँ पे आपको हल्का सा जो भी तेल से आप बच्चे का मसाज करते हैं वो तेल लेना है और हल्के हाथों से इस तरह से आपको ऊपर से इस तरह से लाना है। यहाँ पे देखेंगे किसी किसी का ये जो होल होता है बहुत इस तरह से फैला होता है, तो ये नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, बहुत लोग जो नाक जिनका अच्छा शेप में होता है वो गुड लुकिंग होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, पर जो भगवान ने हमें बना दिया है, जो गॉड ने हमें गिफ्ट दे दिया है, उसी के साथ हम लोगों को जीना है, उसके साथ हम लोगों को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से और हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो करना क्या है, थोड़ा सा इस तरह से हल्के हल्का इस तरह से मसाज करना है, इस तरह से, जिससे क्या होगा, बच्चे का नाक का हल्का हल्का मसाज भी हो जाएगा और उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। प्रेशर नहीं डालना है आपको, अपने हाथों से इस तरह से प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना है। इससे क्या होगा, बच्चे के नाक की जो हड्डियां हैं वो डैमेज हो सकती है, नाक का जो छेद है वो भी ब्लॉक हो सकता है, जहाँ जिससे सांस लेने में उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, केवल हल्के हाथों से आपको इस तरह से बच्चे का मसाज करना है, इस तरह से। इंडेक्स फिंगर यूज करें तो बहुत बेटर है, या फिर अगर आप सिंगल हैंड से करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फिंगर या और थंब दोनों यूज कर सकते हैं। इस तरह से जैसे ही मसाज करते हैं तो आप नोज का भी इस तरह से मसाज इस तरह से कर सकते हैं। इतना काफ़ी है बच्चों के लिए, हल्के हाथों से इस तरह से करना है। जिस तरह से हम लोग आयोडेक्स लगाते हैं इस तरह से रब करते हैं, तो उसी तरह से आप तेल से भी इस तरह से रब कर सकते हैं, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से, इस तरह से, बहुत ज़ोर से प्रेशर नहीं डालना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो थोड़ा यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने बेबी का ख्याल जरूर रखें।